दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो बेटा होमोजीनस होना चाहिए और दूसरा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उसके अलावा बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, जिसमें से कि एक सरफेस स्फेरिकल, ठीक है, या कर्व होना चाहिए और दूसरा सरफेस प्लेन और स्फेरिकल होना चाहिए। मतलब दो सरफेसेस होंगे तो या तो दोनों ही स्फेरिकल हो, नहीं तो कम से कम एक सरफेस तो स्फेरिकल होना चाहिए, तब हम कहेंगे लेंस। क्योंकि अगर दोनों सरफेस प्लेन हो गए तो फिर वो ना तो लाइट रेज को कन्वर्ज करेगा और ना ही लाइट रेज को डाइवर्ज करेगा। जब ना तो कन्वर्ज करेगा ना डाइवर्ज करेगा तो वो ग्लास शीट की तरह बिहेव करेगा और उसकी पावर जीरो हो जाएगी, तो ऐसा लेंस यूजलेस है। तो होमोजीनस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, साथ में जो उसके दो सर्फेसिस होंगे वो दोनों कर्व या एक प्लेन एक कर्व होना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, लेंस कहेंगे। अब बात आती है लेंस कितने टाइप के होते हैं। तो दो ही टाइप के लेंस होते हैं, लेकिन उसको कॉन्वेक्स कॉनकेव नहीं कह सकते। बुक्स में हालांकि कॉन्वेक्स कॉनकेव कहा जाता है, उनको कॉन्वेक्स कॉनकेव कहना गलत होगा। एक कन्वर्जिंग और एक डाइवर्जिंग होगा, ऐसा कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। लेकिन शेप के बेसिस पे बात करें तो मोर देन टू टाइप्स होंगे। शेप के बेसिस पे बात करें तो मोर देन टू टाइप्स होंगे। नोट करना है तो कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए ये ऊपर वाले जितने भी हैं ये सब कन्वर्जिंग हैं और नीचे वाले जितने भी हैं ये सब डाइवर्जिंग हैं। नाम सबके अलग अलग हैं। इसको हम बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स। एक का रेडियस आर वन, एक का रेडियस एक सरफेस का आर टू। अगर ये R1 और R2 की जगह दोनों R हो जाते हैं, मतलब इक्वल हो जाते हैं, तो इसको बोलेंगे इक्वी कॉन्वेक्स। एक सरफेस प्लेन और एक कॉन्वेक्स तो बोलेंगे और एक ये बोलेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स। इसी तरह से ये R1 ये R2
ये आर तो ये हो जाएगा बाइकॉनकेव, ये हो जाएगा इक्वी कॉनकेव, ये हो जाएगा प्लेनो कॉनकेव और ये हो जाएगा कॉनवेक्सो कॉनकेव, ये ऑन द बेसिस ऑफ शेप। लेकिन नेचर के बिहाफ पे दो ही तरह के हैं, या तो कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग। ये कैसे पता चलेगा कौन सा कन्वर्जिंग कौन सा डाइवर्जिंग? अगर लेंस बीच में से मोटा है तो कन्वर्जिंग होगा, किनारे पे से पतला है बीच में से मोटा है तो कन्वर्जिंग, और बीच में से पतला किनारे पे से मोटा है तो डाइवर्जिंग। जो लोग स्पेक्स लगाते हैं चाहे तो टच करके फील भी कर सकते हैं, है ना। और आई डिफेक्ट्स जनरली होते तो तीन चार टाइप के हैं, लेकिन जनरली जो पढ़े जाते हैं मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया पढ़े जाते हैं। हाइपरमेट्रोपिया को लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं, इसमें नजदीक का तो दिखाई नहीं देता लेकिन दूर का दिखाई देता है। लॉन्ग साइटेडनेस मतलब दूर का दिखता है नजदीक का नहीं दिखता, और मायोपिया में शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं नजदीक का दिखता है दूर का नहीं दिखता। तो आपको पता है आप मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया अगर आप स्पेक्स लगा रहे हैं तो मायोपिक पर्सन के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है? मायोपिया में कौन सा लेंस यूज किया जाता है? डाइवर्जिंग लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव से भी आप याद कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से तो पता ही है कौन सा आप यूज करते हैं, लेकिन फील करने के पॉइंट से आप टच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपका लेंस बीच में से पतला या मोटा। अगर बीच में से पतला है तो वो कौन सा है? डाइवर्जिंग है। बीच में से मोटा है तो वो कन्वर्जिंग है। इतनी बात समझ में आ गई, नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। हो गया।